Yes. Be seated. Thank you. क्या नाम आपका? सर शफ़क़त आलम। शफ़क़त आलम। शफ़क़त या शफ़ाक़त? शफ़क़त। शफ़क़त। What do you mean by शफ़क़त? सर मोहब्बत। मोहब्बत। शफ़क़त। आलम तो दुनिया हो गई, दुनिया से मोहब्बत रखने वाला। नाइस। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आप? सर मैं प्रैक्टिस कभी कभार जाता हूँ, जैसे तो मैं अभी आरजीएस की तैयारी कर रहा हूँ समझ से। कब से एनरोल्ड है? सर मेरा 2011 का है। अच्छा, तो आपके पिताजी भी एडवोकेट हैं? जी सर। कहाँ पे? सर सेशन कोर्ट में। यहीं जयपुर में? जी सर। तो उनके साथ ही जाते हैं कभी? जी सर, कभी कभार। जैसे मेरे साथ भी क्या हुआ कि मैंने 2011 में LLB करने के बाद मैंने कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने लग गया था, तो सर मेरा जो कई जगह नहीं हुआ, तो 2015 में मेरे साथी अधिवक्ता का चयन होने पर मेरे पिताजी ने मुझे उनसे मिल पाया, तो सर उनसे मिल के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और जो मेरे जो दिशाहीन कैरियर को उनसे मिलने के बाद एक नई दिशा मिली, और मैंने इस पद के लिए काफ़ी तैयारी करी, जिसका नतीजा ये है कि मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिला। तो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जुडिशल सर्विस? सर चूँकि मेरी पृष्ठभूमि इसी क्षेत्र से रही है, मेरे पिताजी विगत कई वर्षों से वकालत कर रहे हैं, तो मैं इस पद की गरीब माता से भली भांति परिचित हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक न्याय का एक अंग बनकर समाज में न्याय प्रदान करूँ। न्याय तो आप वहाँ पे भी दिला सकते हैं, एडवोकेट रह करके भी। सर एडवोकेट होकर मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूँगा। वास्तव में जो न्याय की सर्वोपरिता होती है वो एक न्यायाधीश ही तय करता है, दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद। वो तो जो पक्षकार लाएंगे, एडवोकेट जो चीज़ रखेगा कोर्ट में उसी को तो वे करेगा न्यायाधीश। नहीं सर, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि न्याय के सर्वोपरिता तो सर न्यायाधीश ही रखता है, तो एडवोकेट न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है सर, वो अपने पक्षकार का पक्ष रखता है। तो एडवोकेट अपने पक्षकार का जो पक्ष रखता है न्यायालय के समक्ष, तो वो अपने पक्षकार को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। सर न्याय दिलाने में सक्षम है हाँ, लेकिन वास्तव में जो न्याय करता है, क्योंकि जज ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों की सुनता है और अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके वास्तव में न्याय प्रदान करता है। ये मेरा सब व्यक्तिगत विचार है। पैसा भी उधर ज़्यादा है एडवोकेसी। सर मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण है। तो आप एडीजे में भी जा सकते थे, आप वकालत करके फिर एडीजे का एग्जाम देते हैं। सर वर्तमान में भी मेरी प्राथमिकता तो यही है, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। नहीं आपकी आयु 35 वर्ष से? नहीं सर, मेरी आयु भी 31 साल हो। 31 साल। अच्छा चलिए छोड़िए। LLB कहाँ से किया आपने? सर राजस्थान लॉ कॉलेज से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? सर BSc में साइंस थी, साइंस में BSc की है। साइंस में BSc में ऑब्वियसली साइंस ही होगी। विच केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी की। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। काफी समय होगा ना सर, इसलिए इसको थोड़ी भूल सकता है, ग्रेजुएशन को भूल सकता है। नहीं सर, चाहे बूढ़ा हो जाए 80 साल का, 90 साल का, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, ही कांट फॉरगेट। ग्रेजुएशन एंड मुझे तो 10th का रोल नंबर नहीं याद है। हाँ हो सकता है। यस, ये तो लैंडमार्क होते हैं। आपने अपने पिताजी के ऑफिस को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? उनका ऑफिस वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है और उन्होंने वर्षों से अपने ऑफिस को स्थापित करने में बड़ी मेहनत की है, और वो भी एक आम जनता को, गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पिताजी की विरासत को, उनके द्वारा जो संचालित ऑफिस है, इसी को आगे बढ़ाऊँ? सर उनका भी यही मानना था, और मेरी भी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं इस जब तक मैं इस पद के लिए योग्य हूँ तब तक मैं इसके लिए तैयारी करूँ, और मैं भी हमेशा, मेरा भी सर ये ड्रीम था कि मैं भी आरजेएस की तैयारी करके आरजेएस बनूँ सर, बजाय वकालत करने के। तो आपकी नज़रों में वकालत का प्रोफेशन अच्छा नहीं है? सर अच्छा है, मैंने नहीं ये कहा अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे नज़रों में न्यायिक पद ज़्यादा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, तो आप अपने पिताजी के साथ कई बार न्यायालय में उपस्थित हो? जी सर। क्या किसी केस के आप तथ्य बता सकते हैं, फैक्ट्स बता सकते हैं जो आपको याद हो और उस केस को आपने पूरा पढ़ा हो, बता सकते हैं? सर पर्टिकुलर अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा, कम ज़्यादा याद हो कुछ? नहीं सर, मैं कभी कभार ही जाता था। विगत 6-7 महीनों से तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना सिलेबस पे काफ़ी अध्ययन किया, अभी मेरे को मेरे इसके संबंध में वही याद है। चलिए, आपके पिताजी का जो कार्य क्षेत्र है वो सिविल क्रिमिनल? सर क्रिमिनल है मेरे पिताजी का। क्रिमिनल, तो क्रिमिनल में पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी व्यक्ति को FIR दर्ज होने के बाद, तो सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? सर सर्वप्रथम अब जिस उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है जिसको जुडिक्शन है। सर कौन सा कोर्ट होता है, कौन सा जुडिक्शन होता है? सर जिसे 177 में ये बताया गया कि जाँच विचार का मामूली स्थान वो होगा जहाँ जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि सपोज गलता के गेट थाना में दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस किस न्यायालय के समक्ष, मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जो गलता के थाना क्षेत्र अधिकारी जो कोर्ट आएगी वहीं करेंगे, पर किस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, SDM कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट? मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। किस प्रोविजन? 167 में पेश किया जाएगा। कितने समय में करना होता है? सर 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। जर्नी इंक्लूडेड? सर जर्नी एक्सक्लूडेड है। सर 57 सेक्शन 57 में ये बताया गया है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है बिना वारंट के, तो उसको उस अवधि से अधिक जो कि सर्कमस्टेंसेस में अवेलेबल है उसको छोड़कर के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मारपीट करके वो मुलजिम भाग गया, जी सर, गलता जी को छोड़ करके वो चला गया बॉम्बे, जी सर, पुलिस उसके पीछे पीछे भागी और बॉम्बे में अरेस्ट किया, जी सर, अरेस्ट करके और वो ट्रेन से आई बॉम्बे, छोड़िए इसको आप ये समझ लीजिए चेन्नई चला गया, चेन्नई से उसको ट्रेन में ही लाएगी पुलिस गिरफ्तार करके, तो 24 घंटे तो पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें? सर उसके लिए ये प्रोविजन वो जर्नी पीरियड उसको एग्जाम्पल मिल जाएगा। जी सर। सर उसमें ट्रांजिट रिमांड का जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास में उसको समझ पेश करेंगे और वो उसको ट्रांजिट रिमांड देगा, जितनी अवधि के भीतर वो इस गलता थाने के क्षेत्राधिकार में पहुँच सकता है, इतनी अवधि का ट्रांजिट रिमांड देगा। सर आपके मजिस्ट्रेट बनने के बाद आपके न्यायालय में पुलिस ने किसी अभियुक्त को प्रस्तुत किया तो आप क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करेंगे? सर सबसे पहले मैं उस पर कॉग्निजेंस लूँगा और अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो फिर 207 की अनुपालना देखूँगा, और अगर मेरे को लगता है उस समय लगता है अभियुक्त इसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार कर लेने के बाद अभियोजन अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद अगर ऑफेंस बेड आउट नहीं होता तो उसको डिस्चार्ज कर दूँगा, और अगर ऑफेंस मेट आउट होता है तो उस पर चार्ज बहस सुनने के बाद में चार्ज विचलित करूँगा, और उसके बाद सर प्रोसिक्यूशन के विटनेस लिए जाएंगे, उसके बाद सर बयान मुंजिम होंगे, बयान मुंजिम के बाद अगर डिफेंस पेश करना चाहता है, डिफेंस पेश करने के बाद में हमने जो निर्णय है उसमें मैं शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं सिर्फ उस दिन का आपसे प्रोसीडिंग्स पूछना चाहता हूँ जिस दिन वो पेश करते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया उसी दिन आप कंप्लीट कर लेंगे? सर उस दिन अगर वो PC मांगते हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, आप क्या करेंगे, आपको क्या देखना है? सर मैं ये देखूंगा कि मामला बनता है या किसी प्रकार का उसकी बरामदगी बाकी है तो उनको PC रिमांड अलाउ करूंगा सर, और नहीं बनता है तो सर नहीं जरूरत है आपकी नज़र में तो क्या करेंगे? पुलिस कस्टडी पुलिस ने मांगी, जी सर, आपको भी लगा कि नहीं जस्टिफाइड है, जी सर, तो आपने दे दी पुलिस कस्टडी, आपको लगा कि नहीं पुलिस मांग तो रही है लेकिन जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या करेंगे आप? सर उसको न्यायिक अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा, जी सर, कितने दिन के लिए भेजोगे? सर वो उसके लिए टाइम पीरियड है। अगर मृत्युदंड आजीवन कारावास फिर 10 वर्ष से अन्यून अवधि का कारावास है सर, उसमें 90 डेज है और अदर ऑफेंसेस में सर 60 डेज है सर। अच्छा, सपोज आपको उस समय पुलिस ने मांगा पुलिस कस्टडी चाहिए सर, आपको लगा नहीं कोई रिजनेबल नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी पुलिस कस्टडी में भेजने की, साथ ही आपको ये भी लगा कि पुलिस ने बिना मतलब के इसको गिरफ्तार कर लिया है, कोई ऑफेंस ही मेड आउट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे सर? छोड़ भी सकते हैं सर इसको। छोड़ना मतलब लीगल टर्म बोलिए, छोड़ना क्या होता है सर? उसको मतलब उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं सर वहाँ पर। डिस्चार्ज जी सर। इसी स्टेज पर सर सेक्शन 59 में एक यूज़ किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का उन्मोचन CrPC देना सर, CrPC किताब है ना सर, ये देखो फिर पढ़ो आप, कहाँ पर कहाँ से बता रहे थोड़ा हम भी देखें, तुक्का नहीं चलेगा अब तो। No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his own bond, on bail, and or under the special order of magistrate. क्या मतलब है इसका सर? वो कि किसी व्यक्ति का डिस्चार्ज बेल पर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर या जमानत पर छोड़ा जा सकता हो। पुलिस के लिए है वो, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया पुलिस ने। जी सर। पुलिस वो लाइबिलिटी को लेना ही नहीं चाहती, मजिस्ट्रेट के यहाँ आपके यहाँ पेश कर दिया, तब आप क्या करेंगे? सर मजिस्ट्रेट के संबंध में 167 में 15 दिन के लिए एक बार भी उसको प्रतिपेक्षित कर सकते, रिमांड कर सकते हैं उसमें, जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं, है ना। और कोई मामला नहीं बनता, आपको लगता है कि भाई मामला नहीं बनता है, तब क्या करेंगे? आपको लगता है पुलिस वालों ने जबरदस्ती किसी को अरेस्ट कर लिया, सर एफआईआर स्वीकार कर लें। एफआईआर स्वीकार कर लें, वो पुलिस का काम है। आप कर सकते हो डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज कर सकते हो, जमानत पर दे सकते हो, है ना। चलिए छोड़िए, है ना। अब ये बताओ, आप यू आर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हैं आप पोस्टेड सपोज सूरतगढ़ में, वहाँ से हाई कोर्ट बहुत दूर है। एक वकील साहब दरख्वास्त लगाते हैं कि साहब मेरा क्लाइंट सो एंड सो को आधी रात को कुछ लोग आए, उठा कर ले गए, लगते थे वो वर्दी में, तो उसको पता लगाया जाए उसका। क्या करेंगे आप? सेक्शन 97 में इस हैबस कॉर्पस का प्रोविजन बदमिनी उसमें प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति डीएम एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इतला मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जो अपराध की कोटि में आता है, तो किसी पुलिस अधिकारी को वो ऑथराइज कर सकते हैं कि वो इस स्थान की तलाशी लें और अगर व्यक्ति मिल जाता है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। क्या क्या जारी करेंगे सर? उनको पुलिस ऑफिसर को सर ऑर्डर देंगे कि आप उस स्थान सर्च वारंट, सर्च वारंट जारी करेंगे। तो और अगर वो हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहे तो इसी बात को लेकर तो सर हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट को क्या शक्ति है सर? हैबस कॉर्पस रिट लगेगी उसमें, तो वो उसकी गिरफ्तारी के जो कारण है निरोध, जिसकी अवैध रूप से अगर जिसको गिरफ्तार किया गया तो उसके कारणों की सर जांच करेंगे। यदि इस कारणों की जांच करेंगे गिरफ्तारी की, उसके लिए नहीं सर, अवैध रूप से जो निरोध व्यक्ति होता है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, ओनली लाने का है। जी सर। और 97 में भी यही है, तो हैबियस कॉर्पस का अधिकार मजिस्ट्रेट को भी है, बिल्कुल पैरामटीरिया है। अब मुझे बताओ रिट ऑफ मैंडेमस मजिस्ट्रेट कब जारी कर सकता है? वो भी जारी कर सकता है, हाईकोर्ट के बराबर पावर उसका। ये आपने लिखा है आपका ऑक्यूपेशन एडवोकेट, आपके एनरोलमेंट नंबर ध्यान है आपको? R/2012-212 7 साल। आपने अपने पिताजी का नाम जो लिखा है इसमें वो शौकत आलम लिखा हुआ है और अपनी माताजी का नाम लिखा हुआ है रहमत आलम, राहत आलम। सही लिखा है आपने, गलत लिखा ऐसे ही लिखते हैं माता जी पिताजी का नाम। अपने पिताजी का नाम जीवन में कभी भी कहीं भी लिखा जाता है, किसी भी परिप्रेक्ष्य में। माता जी का नाम चलिए। अच्छा आपने स्कूलिंग कहाँ से किया था? सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जयपुर से किया था। अच्छा, और राजस्थान में कहीं घूमे आप? जी सर, वैसे घूमा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ राजस्थान। जानकारी थोड़ा बहुत क्यों रखते हो, जब राजस्थान में रहते हो थोड़ी बहुत क्यों? महाराणा प्रताप कब हुए थे? सर महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था सर। गए हो आप कुंभलगढ़? मैंने पढ़ा था। अच्छा, कब हुआ था सर? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? जयपुर का स्थापना कब हुई? सर 1727 में सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। और आमेर किला कब बना? सर किले की निर्माण से भी पता है। राजस्थान ये अपने जयपुर बेंच की स्थापना कब हुई? सर जयपुर बेंच की स्थापना सत्यनारायण सिंह सिफारिश समिति की सिफारिश पर, सर एग्जैक्ट मुझे सन अभी याद नहीं आता। इमरजेंसी कब लगी थी हिंदुस्तान में? इसको इस तरह से याद करो, इमरजेंसी 1976 में हुई थी। हाँ मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ लेकिन 1976 में। चलो, और 77 में ये बेंच बनी थी, 78 में उसके पास। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 25 कारण से हुई थी उनकी मृत्यु। उनके अटैक हुआ था, खालिस्तान के समर्थकों ने उन पर शायद गोली चलाई थी सर, मुझे पूरा पता नहीं है। राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी सर? सर उनके साथ ही उनको भी अटैक किया था, नलिनी वगैरह। कहाँ पर किया? तमिलनाडु में। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी। अपने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री? सर श्री सचिन पायलट जी। भारत के होने वाले प्रधान न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री शरद अरविंद बोबड़े साहब। कौन से स्टेट से, कौन से हाई कोर्ट से? बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट से। कौन से चीफ जस्टिस बनेंगे वो? 47 या 48? 47 श्योर। और ये कब डेमिट कर रहे हैं ऑफिस मिस्टर गोगोई? 17 नवंबर 2019 को। तो अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री इंद्रजीत मोहंती साहब। इससे पूर्व कौन है? माननीय श्री रविंद्र भट्ट साहब। तो रविंद्र भट्ट साहब कहाँ, मतलब ट्रांसफर हो गए, कहाँ चले? सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनका ट्रांसफर हो गया। किसी भी न्यायाधिपति का एक न्यायालय उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है, आप मैं बता नहीं रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सपोज अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय न्यायाधिपति मोहंती साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, एक सामान्य हिंदी की भाषा में बोल रहे हैं, तो विधिक भाषा में क्या बोलेंगे? एलिवेशन।